अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ्रेंड्स, क्या आप सबका उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहेंगे। फ्रेंड, दिस इज योर बॉय हमाद मलिक, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के साथ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी आपको। अभी रमज़ान शरीफ का महीना है, रोज़े चल रहे हैं अल्लाह पाक के करम से, और रोज़ों के बीच में और वीडियो बनाना भी मुश्किल होता है, आप लोगों को पता ही है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा काम यही है आप लोगों के साथ वीडियो को कंसेप्ट नया नया शेयर करना। तो आज की वीडियो आप लोग देख सकते हो क्या है, ठीक है, 2:30 PM और 4 अप्रैल, ठीक है। और ये मैं वीडियो बनाना है, आप लोग स्टार्ट कर दूँगा। मैं आज का टॉपिक, ये मेन रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन रोल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो उसका बेसिक यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, देखिए, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स कंट्रोल यूनिट रेगुलेट्स एंड इंटीग्रेट्स द कंप्यूटर्स ऑपरेशन। इट्स लाइक एंड रिट्राइव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड इंटरप्रेट्स देम सो दैट द अदर फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम कैन परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशन एट द बेसिकली एप्रोप्रिएट टाइम। हर चीज़ का एक फंक्शन होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ एक टाइम के ऊपर ही अच्छी लगती है, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना, आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर, ठीक है, मेन प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर। इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी दैट एक्सिक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस कंप्राइजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द सीपीयू परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट आईओ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। तो भाई, ये सारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ सीपीयू? द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ द सीपीयू आर फेचिंग, डिकोड एंड एक्सिक्यूशन। विद द यूज ऑफ सीपीयू कंपोनेंट्स दिस फंक्शन अकर्स एज पर द इंस्ट्रक्शन। यार, अगर वैसे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाए ना तो बहुत सारे, ठीक है, हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट व्हाट इज सीपीयू। देखिए, मैं आपको इतना कहूँगा, मदरबोर्ड बैकबोन है, ठीक है, मदरबोर्ड इसकी बैकबोन है। लेकिन जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है और उसके अंदर हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बैकबोन के बाद। बिकॉज अगर वो नहीं होगा ना, तो मैं कहता हूँ आप लोग अपने कंप्यूटर को रन ही नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर और चले गए। दिखाता हूँ, ये चीज़ है, देख सकते हो आप लोग, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये तो इसका ये देख सकते हो, ये इसको ऊपर कैसे दोनों, अगर ये नहीं है ना आपके पास, तो कहने का मकसद ये है कि फिर आप लोगों का ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक रीज़न, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं समझाना था वो आपको समझ आया होगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस के लिए आपका भाई हाजिर है यहाँ पर। फंक्शन ऑफ सीपीयू भी अगर हम लोग देखते हैं, सीपीयू इज रिगार्डेड एज द कंप्यूटर ब्रेन, ठीक है, रिगार्डेड सब किसके साथ की, ब्रेन के साथ कंप्यूटर के। दिस इज द बेसिक। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड ऐसी वीडियोस के लिए या जितना हो सके अपने बैक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत होती है और आप लोग के साथ हम शेयर करें। थैंक यू सो मच अल्लाह।